नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं प्रेजेंट है TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अभी RRC ग्रुप डी का 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन देकर के आ चुके हैं। तो ये हम लोग इन स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज के पेपर के बारे में। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में भाई जी? यहाँ बराबर में। हाँ, आज का पेपर जो भी था बहुत ही अच्छा था, कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। हाँ, हमने 72 अटेम्प्ट किया। हाँ, उसमें से टाइम रहता तो और भी अटेम्प्ट कर पाते, कोई मतलब टफ पेपर नहीं था। अच्छा, चाहते तो हाँ निकल सकता था। 72 में कितने सही हो जाएंगे? 72 में मतलब हमको सस्पेंसली हम ज़्यादा टच किए नहीं, हमको जहाँ 100% सियोरिटी रहा वही हम टच किए। कौन सा जोन से फार्म भरी है? पटना जोन, हाजीपुर है। आपका लैब में अटेंडेंस कितना था? ये था शायद सिस्टम नंबर 149 था। नहीं नहीं, आपके लैब में बच्चे कितने उपस्थित थे? ज़्यादा नहीं थे, हमको लगता है कि मतलब हम लोग जो सेक्शन में थे हाँ वो करीबन ज़्यादा नहीं, 50% अटेंडेंस, 60% नहीं नहीं 50-60 भी नहीं होंगे, 40-30 हाँ 40 होंगे। कुछ क्वेश्चन याद हैं आज के तो बताइए। क्वेश्चन हाँ जैसे थे, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन थे, और ये क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन से क्वेश्चन थे, फिर कैलेंडर के क्वेश्चन थे मैथ्स में, फिर बोला जाए तो फिर PL का क्वेश्चन था, और PL का क्वेश्चन, फिर मेंसुरेशन का चैप्टर था, मतलब बोला जाए तो जितना सोच के आया था उस लेवल का क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, रुकिएगा दो मिनट, कुछ क्वेश्चन बताइए आज के। जी, त्रिकोणमिति में से था। हाँ, अवार्ड सारणी हो गया, E7 हाँ, में से था। हाँ, और ठीक है, निकलिए रुकिए आप। क्वेश्चन बताइए आज का। आज मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन था। रुके, मैथ और करेंट अफेयर का ज़्यादा क्वेश्चन था, और GS का थोड़ा कम था, लेकिन हाँ, मैथ का ज़्यादा क्वेश्चन था। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? सर, आज का पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें जो है ज़्यादातर साइंस का पोर्शन, यानी साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, जिसमें से यानी साइंस का भी ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन कुछ उसमें जो है जैसे कि करंट निकालना हुआ। हाँ, उसके बाद वोल्टेज हुआ। हाँ, उसके बाद रेजिस्टेंस हुआ। हाँ, अगर किसी को अगर ओम का नियम अगर 10 अगर अच्छा से पढ़े हुए हैं अगर 10 हाँ, तो वो ओम का नियम से फाइंड करेंगे, तो ओम का नियम से कम 3 क्वेश्चन बनाए हैं। अच्छा, और उसके बाद हुआ मैथ, थोड़ा कैलकुलेटिव, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। हाँ, लेकिन मैथ जो है टाइम खींचता है। अच्छा, और उसके बाद हो गया जैसे करंट अफेयर पूछ रहा है, तो करंट अफेयर अभी का नहीं पूछ रहा है, करंट का नहीं। हाँ, ये फरवरी का पूछ रहा है, फरवरी 21 का पूछ रहा है। हाँ, और उसके बाद जैसे 22 का भी कुछ था क्वेश्चन। हाँ, और उसके बाद जैसे हो गया रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। हाँ, और जैसे कि अगर दो रिएक्शन दे दिया। हाँ, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हाँ, और इसके बीच में किसका कितना परसेंटेज है। हाँ, जैसे कि हाइड्रोजन का जैसे H2O। हाँ, जैसे हाइड्रोजन का अनुपात इसमें कितना है, ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, ये सब पूछ रहा था। इसी प्रकार के क्वेश्चन सब थे। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, इसके लिए हम जैसे रेलवे बोर्ड को धन्यवाद देना चाहते हैं और उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ठीक है, दो मिनट रुकिए, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज के पेपर के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो मैथ का क्वेश्चन था हाँ, नॉर्मल था। हाँ, और करेंट पेपर बहुत हार्ड पूछा गया है। अच्छा, बस हार्ड विषय क्या बोलना चाहूँगा, 8-10 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर था। ठीक है, मैथ नॉर्मल था, मैथ उतना हार्ड नहीं था, और साइंस जो है साइंस का नहीं, जो NCERT से जो 9th में जो पढ़ा होगा वो आराम से बना सकता है। अच्छा अच्छा, ना ना रुके रुके, रीजनिंग से जो सेटिंग एलिमेंट लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछा गया था जो इजी क्वेश्चन था। उसके बाद और था आपको, मैं तो समझे इजी था, यही सब था। अच्छा अच्छा जी, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करेंगे जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस का वेटेज है आप लोग का 20 नंबर का, स्टैटिक और करंट मिला करके, तो जनरल अवेयरनेस का टोटल कितना क्वेश्चन देखने को मिला मोटा मोटी? लगभग 8-10 मिला है, दोनों मिला के 20 क्वेश्चन जी जी, कितना दोनों मिला के? हम जो देखिए लगभग 8-10 क्वेश्चन हमको लगा रहा है। स्टैटिक का भी क्वेश्चन था। अच्छा, स्टैटिक में एक ये भी क्वेश्चन था कि इंदिरा गांधी के समय में कब हुआ था डिमोनिटाइजेशन। अच्छा अच्छा, एक ये क्वेश्चन था। हाँ, और उसके बाद आपका ये था एक PSLV GSLV से जो होता है, किस सैटेलाइट के द्वारा ये किया गया था, इसरो जो था, क्या था वो वाला क्वेश्चन, GSLV PSLV वाला? PSLV C51 था उसका। अच्छा जी, कि मतलब 2022 में जो लॉन्च किया था, मतलब इसरो ने किस थ्रू किया था, वो था, मतलब कौन सा सैटेलाइट के थ्रू किया था। जी जी जी, ठीक है,
हमको लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जीएसएलवी पीएसएलवी का क्वेश्चन आज पहली बार पूछा गया। जी आज पहली बार एक बार और पूछा गया था 2014-15 में भी। नहीं नहीं, अभी जब से 17 अगस्त से ग्रुप डी स्टार्ट हुआ एक्चुअली। हाँ पहली बार। हाँ आज ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया क्योंकि हम लोग लगभग सभी शिफ्ट में स्टूडेंट से ये सवाल कर रहे हैं, पूछते आ रहे थे, हम लोग देख रहे थे बराबर। हाँ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहले बार था, क्वेश्चन नहीं आ रहा था। और कोई क्वेश्चन? और सब क्वेश्चन हिस्ट्री यार ठीक ठाक था। हिस्ट्री यार लगभग, यहाँ सामने आइए। हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या था? हिस्ट्री का क्वेश्चन लगभग ठीक ही था। क्वेश्चन बताइए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जी बोध गया। किसका? महात्मा गांधी द्वारा। हिंदगिरी पहाड़ी जो है ना, महेंद्रगिरी पहाड़ी मतलब कहाँ है, इसके पूछा गया था। अच्छा, महेंद्रगिरी पहाड़ी के बारे में पूछा गया था जो झारखंड में अवस्थित है। अच्छा अच्छा जी। तमिलनाडु का नृत्य पूछा गया था जो पोंगल होगा, होगा तमिलनाडु का नृत्य। हाँ ठीक है, पोंगल होगा, पोंगल से स्टार्ट होता है। पोंगल से जन्माष्टमी तो अपना बिहार में और वहाँ राजस्थान में मनाया जाता है। अच्छा अच्छा। और पोंगल जो हो गया उसका जो मेन उत्सव होता है वो तमिलनाडु या केरल, ये दो जगह पे ही मनाया जाता है। अच्छा अच्छा जी। स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन? नहीं, स्पोर्ट्स से आज कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन था खेलो इंडिया का चौथा कौन सा जीता है? खेलो इंडिया का चौथा जो इवेंट हुआ था वो कौन सा जीता था? उसमें 2021 का, 21 का पूछा हुआ था। क्या बोले? 2021 का पूछा हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछा हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक था। शीतकालीन ओलंपिक था। शीतकालीन ओलंपिक। कर्नाटक इस करके ऐसे करके ने स्टेट का नाम दिया था चार्ट, उसमें से पूछा था स्टेट वाइज कौन जीता था। अच्छा अच्छा ठीक है। अवार्ड्स का कोई क्वेश्चन? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, नृत्यांगना वगैरह जो कहाँ का कौन सा खेल है, कौन सा क्या है, ये सब कुछ भी नहीं पूछा गया है। अच्छा, जैसे पंचायती राज व्यवस्था सबसे एक ही क्वेश्चन दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था मौलिक कर्तव्य से भी नहीं पूछा गया। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया है संविधान में? इसके लिए तो ये क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन था एकदम इजी था, 2002 था, 2004 था, 2006 हुआ, तो ये सब तो कोई भी नॉर्मल मार देगा। जैसे डी में था 1998, तो 1998 को मारेंगे। मतलब ऑप्शन सही आंसर मिल गया। हाँ। क्या महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछा गया था? हाँ। जो चार्टर एक्ट 1919 जो चार्टर एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी से। क्या था वो क्वेश्चन, क्या था महात्मा गांधी वाला? महात्मा गांधी राष्ट्रीय अधिनियम रॉयल एक्ट के थ्रू मतलब कब यात्रा पे गए थे, इसी टाइप का क्वेश्चन था। अच्छा। जो 1919 में किया गया था। 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा, यानी चार ऑप्शन था, इनमें से किस चीज का आंदोलन किया गया, जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, उसके बाद रॉयलेट एक्ट हुआ, चार ऑप्शन था, तो इसको पिट्स इंडिया एक्ट मारेंगे। रॉयलेट एक्ट कहाँ था उसका? अगर रॉयलेट एक्ट होगा तो उसका ऑप्शन रॉयलेट एक्ट होगा, अगर पिट्स इंडिया एक्ट होगा तो उसका पिट्स इंडिया एक्ट होगा। अच्छा, रॉयलेट एक्ट का मतलब है बिना गिरफ्तारी वारंट सर्च के उसको गिरफ्तार करना। अच्छा अच्छा। कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? क्वेश्चन था सर कि जो हमारे बॉडी मतलब जब कोई अवतल दर्पण या समतल दर्पण के सामने खड़ा होते तो प्रतिबिंब किस टाइप का आभासी दिखाता है, तो उसका तो उम्र खत्म हो गया, शादी भी हो गया, उसका बच्चे भी हो गया, तब ग्रुप डी का एग्जाम लिया जा रहा है। अब बताइए किस टाइप से गवर्नमेंट को मतलब हम लोग क्या करें। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साइंस के ऊपर। साइंस का आप लोग का वेटेज था 25 नंबर का, ठीक है। तो साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके टोटल कितना क्वेश्चन देखने को मिला? क्वेश्चन लगभग 25 के आसपास था। और फिजिक्स में एक फॉर्मूला था V=RI, उससे फिक्स था कि दो क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, वो एक फॉर्मूला कर ले तो आदमी का दो नंबर फिक्स है। अच्छा। हाँ। ये दो नंबर मतलब लगभग 17 अगस्त से ही हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, वो फिक्स है, वो ही रहा। 17 अगस्त का सर क्वेश्चन इससे भी अच्छा इजी था। अच्छा, आज थोड़ा सा टफ लग रहा था। 17 अगस्त का जो था मतलब जीके जीएस अच्छा लगभग मुझे भी अच्छा लगा, बट आज का जो थोड़ा जीके जीएस था वो थोड़ा सा टफ अंदर से लिया गया, गहराई से लिया गया क्वेश्चन सब था। अच्छा, ऐसे नहीं बना सकते, चारों ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आप एक पढ़ के अगर बनाइएगा तो गलती होने का चांस ज्यादा रहेगा। आप चारों ऑप्शन पढ़िए उसके बाद उस पर निर्णय लीजिए, नहीं तो गलती होने का चांस ज्यादा है। अच्छा, पूरा पैटर्न एग्जाम का यही है। अब बायोलॉजी का एक क्वेश्चन था फिगर बेस्ड में,
WBC का कहीं, हाँ उसमें से कहाँ से पढ़ के आएगा आदमी, तो उसके बाद पता चलेगा वो फिगर पता नहीं बताना था, जैसे कि RBC का स्ट्रक्चर क्या होता है, WBC का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस टाइप का अस्थित मज्जा का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर पढ़ के आना था, उसके बाद जो है उसको मिलान करके तब जाकर के टिक आउट करना था। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा जो है ना जानकारी लेना चाह रहा है ये सब क्वेश्चन में एनसीईआरटी पढ़ के आए बच्चा पूरा तभी होगा, नहीं तो MCQ से नहीं होने वाला। अच्छा, इस तरह का डीप गया था उसमें, 9th-10th अगर अच्छे से पढ़े तब हो जाएगा। सेट प्रैक्टिस हमको जो लगा, सेट प्रैक्टिस सबसे अच्छा है। अच्छा, सबसे अच्छा सेट प्रैक्टिस है। अगर जो सेट प्रैक्टिस किसी टाइप का हो, जैसे रुक्मिनी का हो, अग्रवाल का हो, ये सब का जो भी बनाता है, तो कम से कम 60 क्वेश्चन वो सही सही बनाएगा। अच्छा, मेरे हिसाब से। लेकिन हम भी तो थोड़ा कमी क्वेश्चन अटेंड किए हैं क्योंकि मैथ में हम फंस गए। अच्छा, मैथ हुआ क्या, कैलकुलेटिव था, फंस नहीं रहे थे, जो भी आंसर मारे सही सही मारे हैं, कुछ में फंसे हैं, लेकिन मैथ का जो है वेटेज थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। मैथ का वेटेज इस तरह से नहीं करना चाहिए, और नहीं तो मैथ का अगर वेटेज बढ़ाएं तो रीजनिंग का वेटेज थोड़ा कम करना चाहिए, लेकिन रीजनिंग भी है, कैलकुलेटिव पूछ दिया। अच्छा, तो इसी तरह से बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है लोगों का, उससे थोड़ा क्योंकि 5-6 क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोले, हम लोग ज़्यादा टाइम जीके में मर गया और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम मर गया, इतना घुमा फिरा के दिया गया, उसके बाद में क्या कर पाएगा। अच्छा, हम लोग एक क्वेश्चन का 5-10 मिनट टाइम दिया जीके का, रीजनिंग का, है ना, हम लोग बहुत टाइम उसमें मर गया था। अच्छा अच्छा, ये अब पता नहीं कहाँ से बस लास्ट कुछ है जो, हाँ एक क्वेश्चन है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज आज किसका था, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का? फिजिक्स का वेटेज, फिजिक्स का था, लेकिन एक ही पोर्शन जो पढ़ेंगे ओम के नियम क्वेश्चन बनाएंगे 100% करेंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है सो भर भर के एकदम। जी सर, लाइट भी पूछा गया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन दिया गया था, और जो मतलब चुंबकीय नियम जो है मतलब फ्राइडे साहब का, वो सभी से भी पूछा गया था, फ्लेमिंग के बाएं दाएं हाथ हुआ था, फ्लेमिंग का बाएं दाएं हाथ का नियम पूछा हुआ था, वो मतलब किस नियम पर है स्वाधी है, क्या बोले, और ये था फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से कि मध्यमा और तर्जनी किस दिशा को प्रदर्शित करती है। अच्छा, तो मध्यमा ये तर्जनी हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा हो जाएगा प्रेरित धारा। तो वही मतलब ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बनाने वाले ने फिजिक्स में मास्टरी हासिल करके रखी है। मास्टरी सर हासिल किए हैं। केमिस्ट्री का एक दो क्वेश्चन था, वो था रिएक्शन थोड़ा मतलब आप अगर पूरा डीप पढ़ के आए तो एक बैलेंसिंग का था, वो आप नॉर्मल बना लीजिएगा इक्वेशन बैलेंस। अच्छा, लेकिन दो क्वेश्चन था वो बहुत ही मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन सेट किया गया था, मतलब वो आप ऐसे नहीं बना सकते हैं। अच्छा, अगर कंपटीशन का ये पढ़ रहे हैं आप, उसके बाद चाहिएगा तो नहीं बनने वाला हमको नहीं लग रहा है। मतलब क्वेश्चन बनाने वाले टेंथ के बीच में, अगर टेंथ का जो स्टूडेंट अगर ढंग से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर बना लिया होगा ना, वो अच्छा से ग्रुप डी पास कर सकता है। मे भी रह गया 7-8-10 नंबर जो है मतलब जीके से था, जो बहुत अंदर गहराई से लिया गया था, 2021 से 2022 तक के बीच में करंट अफेयर्स लिया गया था, कोई खास ज्यादा वो भी नहीं था, वही फरवरी का था। अच्छा, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, फरवरी मार्च, इससे ज्यादा का नहीं था, फरवरी का था। अच्छा, फरवरी का था। तो ये बताइए कि मतलब जो करंट अफेयर था वो 2022-21-20 के बीच में, 21 और 22 के बीच में, 19 और 20 में नहीं गया है। अच्छा, मतलब क्वेश्चन बनाने वाले को फिजिक्स में भी ऑप्टिक्स और जो है आप लोग मैग्नेटिज्म, इनसे प्यार है। लाइट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन बनाने वाले को प्यार हो गया। केमिस्ट्री में जो रिएक्शन वाला जो क्वेश्चन हो गया, केमिस्ट्री में रिएक्शन वाला, बायोलॉजी में 5 फिगर दिया गया था, उस फिगर का नाम बताना था, तो नया क्वेश्चन था, समझ में नहीं आ रहा। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? नो सर, मॉक टेस्ट से कोई हेल्प नहीं हो रहा, नहीं इसका दे ही नहीं रहे। मॉक टेस्ट से है आपका कि मतलब सिटिंग अरेंजमेंट सब है, अगर उसमें आप बना रहे हैं शिफ्ट वाइज तो थोड़ा होगा कि आपका प्रैक्टिस सही है, आप फास्ट थोड़ा कैलकुलेट कर पाए, कैलकुलेशन फास्ट होगा और कुछ ज़्यादा नहीं है। का जो अभी आया है ना, उसका प्रीवियस ईयर रीजनिंग प्रैक्टिस किया जाए तो यहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल है। यहाँ पे कोई ऐसे है जो NTPC दिए थे? कहाँ तक पहुँचे? NTPC हम मेंस दिए थे, लेवल 2-3 में था, मेंस मेरा उतना अच्छा नहीं जा पाया था, कैलकुलेटिव इतना था कि मतलब हम ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं ले पाए थे। अच्छा, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? परसेंटेज 2-3 क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट था और सिंप्लीफिकेशन था। अच्छा, उससे भी 2-3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन बहुत क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन बहुत क्वेश्चन, उसमें आपका टाइम टेकन भी है, उसमें क्या क्या साइन कन्वेंशन वाला डाल दिया है। अच्छा, साइन चेंज कीजिए पहले, आप उसको तो लिखना पड़ेगा, उसके लिए साइन लिखे उसके बाद कैलकुलेट कीजिए, अगर कहीं मिस हुआ तो फिर आप दोबारा अगर उस क्वेश्चन में गए तो फिर आपका तो 2-3 क्वेश्चन का टाइम ले लिया। 4-5 हमको लगता है कि ये था साइन कन्वेंशन वाला, और ये लेके क्या बोलते हैं बोर्ड मास के नियम से, ये और साइन कन्वेंशन लेके 4-5 क्वेश्चन था पूरा।
अच्छा, मैथमेटिक्स में कोई ऐसा टॉपिक जिसे क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं पूछा गया, इग्नोर कर दिया गया? आज जो है ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ज्योमेट्री क्या था क्वेश्चन? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, वो तो ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया। ट्रिगोनोमेट्रिक से था। ज्योमेट्री हाँ, ज्योमेट्री कह लीजिए उसको, सर्वांगसम है तो। एक सर्वांगसम का था, वो इजी था कि आपको एक का दे दिया है और दूसरा का पूछ रहा है कि उसमें साइड क्या होगा। दो समरूप त्रिभुज था, एक साइड का पूछ रहा था। एक साइड दिया हुआ था, दूसरा साइड का पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, आखिरी लास्ट में रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन था? रीजनिंग सर वही सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब भर भर के आ रहा सीरीज का, और सीरीज का पजल पजल उजल तो पूछवे नहीं। सीरीज का सर, पजल पजल हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट में दे दिया जनवरी फरवरी करके दे दिया था, ये सब मतलब पजल टाइप में था। सोमा हां, टाइम टेकन था। कैलेंडर को भी पहले इग्नोर किया जा रहा था। कैलेंडर का क्वेश्चन था 75 डेज वेडनेसडे है तो 75 डेज क्या होगा उसका आंसर? अच्छा, कौन सा दिन होगा? बस और कुछ नहीं था। पहले कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अभी क्लॉक से क्वेश्चन नहीं था, कैलेंडर से क्वेश्चन था, बस यही था। अच्छा, और कुछ नहीं था इसमें? आगामी स्टूडेंट का हम ये बोलने के लिए चाहते हैं, अगर वो सीटिंग अरेंजमेंट अगर पजल पहले राउंड में अगर पहले ही है सो क्वेश्चन डालता है कुछ ही, मतलब 10-20 के अंदर में अगर ये उनका सही चल जाता है, एक्यूरेसी उनका अच्छा रहेगा और रिजल्ट 100% उसका होगा। अच्छा जी सर, 100%। सर गवर्नमेंट से हम लोग का ये रिक्वेस्ट कीजिए कि जल्दी हम लोग को रिजल्ट दिया जाए। अच्छा। इतना समय ना लगाए जितना समय एग्जाम लेने में लगाया गया है। 3 साल 2019 में हम लोग वैकेंसी भरे हुए थे और 2022 में जाकर के एग्जाम लिया जा रहा है। 3 साल बाद मान लीजिए अगर कोई भी फिर दोबारा RRB निकाल रहा है तो उसका तो एज लिमिट खत्म हो गया। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू सीधा सेंटर के बाहर से प्रोवाइड करवाया, और हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल साइंस की PDF तैयार की है, जिसमें से हम लोग कोशिश करते हैं कि एग्जामिनेशन के बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन आपको सीधा सीधा मैच करवा के दिखाया जाए। तो इसके बाद हमारा लाइव सेशन होगा, तो उस लाइव सेशन में आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। और टेस्टबुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है Umang10, इसको आप यूज़ करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और हमारे PDF के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9955364944। ये सारा लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग PDF का लिंक, टेस्टबुक के मॉक टेस्ट का लिंक जरूर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।